एक था टाइगर, एक था टाइगर की एक है टाइगर, एक है टाइगर। चलो मोदी साहब आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। आउका दे क्या? देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। इक्का चले है मेरे नाम का, इक्का बना दूं मैं गुलाम का, कोई बने बैठ तो मैं उसका भी डैड। मैं जो बुर्ज खलीफा फोटो लगता मैं कहता हूँ कोई मोदी का लगवा के दिखा दे बुर्ज खलीफा में, तल में जाएंगे वहाँ पे फोटो लगवाने में किंग खाने उस। रुको जरा सबर करो। हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आज होटल में आके मासूमों को गोली मार दोगे, उसके बाद सोचो खान सर इज्जत से बतियाए। नसीब ठीक था उसका कि उस समय मनमोहन सिंह थे, नहीं तो इनके समय मार के चले जाते ताज होटल, कराची उड़ा देता ये आदमी। हम घर में घुस के मारेंगे। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। Oh my god, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे और कहा था देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहरा था। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये है और दिलचस्प भी है कि मोदी की दुनिया दीवानी, चाहे वो बाइडेन हो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जब मोदी से मिले तो आप जानते हैं मोदी से इस मुलाकात के बाद ही कमाई में कितना इजाफा हुआ, कितनी रकम बढ़ गई। मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क के 81,000 करोड़ रुपए बढ़ गए मोदी से एक मुलाकात के बाद। अब मोदी से मिलने का मतलब समझते हैं किसी सबसे अमीर शख्स के 81,000 करोड़ बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। हो गया
ने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की। अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की। असम गए तो उनकी वेशभूषा कबूल की। लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहनकर के फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं। मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। अगर डेमोक्रेसी खतरे में है और अगर ऐसी डेमोक्रेसी है कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान वाले अपने गाड़ी पे भारत का झंडा लगा के निकल रहे थे, अफगानिस्तान वाले भारत का झंडा निकल रहे थे, यहाँ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ बाइडेन मोदी जी के पैरों में दंडवत करके लेटा है कि प्लीज रशिया के विरोध में दो शब्द बोल दीजिए, वहाँ रशिया वाले पैर पड़ रहे हैं कि प्लीज हमारे विरोध में एक भी शब्द मत बोलना, हमारे साथ खड़े रहिए, किसी अलायंस में मत जुड़िए। अगर ऐसी डेमोक्रेसी खतरे में है तो मैं ऐसे डेमोक्रेसी में ही जीना चाहूंगा। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो? ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हूँ तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुँचाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। अपोजिशन पार्टी मस्ट कम टुगेदर। इंडिया में सबको ही झुकना पड़ता है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ा। चंदना 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 झुमका झुमका झुमका। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर मार करने के प्रयास होते हैं, तो ये मोदी है। तो ये था जी वीडियो आज का। एटीट्यूड तो है भाई, उसका काम भी है, उसका काम भी। अब इसके ऊपर अगर हम हाँ, बाकी जो भी है आप उसको छोड़ दो, आप ये देखो कि उस बंदे ने डिलीवर तो किया है, काम तो किया है, और जो बंदा काम करता है डिलीवर करता है, उसका एटीट्यूड तो बनता है। इंडिया को एक दफा टॉप पे पहुंचाया है। जैसे उन्होंने भी दिखाया था 1960 की, वो सारा दिखाया, उसके बाद के इंडिया का स्केच दिखाया, ऐसे था पता नहीं। ये चीज तो आप खुद भी हम भी मानते हैं, बेशक लाख इख्तलाफ हो आपका किसी बंदे से, किसी पार्टी से। अब हमें जो कांग्रेस के लोग देखते होंगे तो वो कहेंगे आप पीएम मोदी जो है उसकी तारीफ क्यों करते हो, जो हमें उधर से बीजेपी के लोग देखते होंगे वो कहेंगे कि जी आप अच्छा करते हो, मतलब ठीक है हमारा उसके पीएम मोदी की आप तारीफ करते हो, मतलब हर बंदे की अपनी राय होती है। डेमोक्रेसी है ये ना, अब एक देश है उसमें डेमोक्रेसी क्या यही होती है ना कि आप हर बंदे को बताती है। हाँ अब वो कहेंगे हमने मोदी से अच्छा, मतलब टाइम ही ये ऐसा था कि जिसमें इंडिया ने बूस्ट करना था, हम होते तो हमारे दौर में भी इंडिया बूस्ट। लेकिन ये नहीं होता, आप ये देखो कि डिलीवर जिसने किया है उसको मानना पड़ेगा, जिस बंदे ने काम करना है उसका ही काम नजर आना है। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो यार बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो थी नरेंद्र मोदी जी की। भाई नेक्स्ट इंडिया के पीएम फिर से वही है, मेरे जैसे मैंने प्रेडिक्शन की थी ना पाकिस्तान की, नेक्स्ट पीएम हमारे जो है ना वो
नवाज शरीफ हैं। इसी तरह मेरा ये मानना है कि भाई नेक्स्ट पीएम जो है ना वो पीएम मोदी ही बनने वाले हैं। देखते हैं ये ठीक हो पाती है या नहीं, लेकिन अभी तो पाकिस्तान वाले भी मेरी अभी तक सच नहीं हुई जब तक ये मैं वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि भाई कोई रिजल्ट आज हो सकता है, मैं रिजल्ट आ जाएगा है ना, कोई होगा, मेरा ख्याल है कि आज कोई फाइनल रिजल्ट निकल आएगा, लेकिन ना भी निकले हमें क्या भाई इस चीज से। लेकिन पीएम मोदी जी की बात की जाए तो भाई उन्होंने अपना एक जो होता है ना एक दबदबा पूरी दुनिया में बना के रखा हुआ है, सबके साथ उन्होंने ना अपना बना के रखी है। ये नहीं है कि भाई अगर अमेरिका के साथ बनाई है तो रशिया के साथ बिगाड़ लिया, रशिया के साथ बनाई है तो अमेरिका के साथ बिगाड़ लिया, नहीं, उन्होंने रशिया के साथ भी बना के रखी है और उन्होंने अमेरिका दोनों के साथ बना के रखी है। ये अकलमंद बंदे की ना एक चीज होती है कि वो पूरी दुनिया में ना अपना नाम बनाए और पूरी दुनिया में को बताए कि यार उनकी जो है ना एक मतलब है स्टेटस, उनका कुछ है अलग लेवल का, वो मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही मुंह उठा के कहीं पे भी चले जाते हैं, भीख मांगने नहीं जाते, वो दुनिया को देते हैं ना कि किसी से लेते हैं। इन्वेस्टमेंट भी वो पूरी दुनिया में करने में लगे रहते हैं और वहां से भी इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में लाते हैं। यही एक पीएम का काम होता है कि वो लोगों को रोजगार मुहैया करे, उनके लिए जॉब्स पैदा करे, जो कि वो कर भी रहे हैं, उनके काम किसी से छुपे हुए नहीं। इनकी सारी वीडियोस फिल्म पड़ी चीट थी और क्या, तो ये जवाब देते हैं हर किसी का इतनी बहादुरी से, और बाकी के सारे एक तरफ और ये एक तरफ, और उनको किसी का डर भी नहीं है, कहते मैं अकेला ही सबका मुकाबला कर दूंगा। इनकी सारी वीडियोस देखकर मजा ही आ गया जी। तो हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो गई। आज हम देख रहे थे पीएम मोदी की एटीट्यूड शॉर्ट्स, और यार क्या कमाल के शॉर्ट्स थे यार। लीडर हो तो ऐसा हो भाई, हर कोई पांव पड़ता है, झुक के सलाम करता है, हर कोई नमस्ते करता है, चाहे उसको कोई भी धर्म हो, है ना, मतलब देखो किसी भी धर्म से लोग ताल्लुक रखते हैं लेकिन नमस्ते लाजमी करते हैं। इतना मतलब यार पीएम मोदी की क्या एक बात करें उनकी, मतलब सच्ची में एक लीडर कमाल का लीडर है। हमने उनके रिलेटेड इतनी वीडियोस मतलब देखी है अभी तक, यार सच्ची में कमाल का काम किया हुआ, हर टाइम छाए रहते हैं, मतलब दुनिया में लोग नाम लेते रहते हैं, सिर्फ पीएम मोदी मोदी, हर टाइम मोदी होता रहता है।